नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज इस हाथ के विश्लेषण का आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ फिंगर के एनालिसिस का, इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए व्यक्त करूंगा। तो सर्वप्रथम आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग है, जिसके कारण एक प्रकार की बहुत अच्छी एनालिटिकल पर्सनैलिटी ऐसे लोगों में देखने को मिलती है। कोई भी काम बहुत अच्छे से सोच विचार करके करना, प्री प्लान तरीके से रहना, हर काम को योजनाबद्ध तरीके से प्रॉपरली डन करना, ऐसा नेचर होता है। यानी कोई भी काम ऐसे नॉर्मली छुएंगे नहीं, लेकिन अगर जिस काम में भी इन्होंने हाथ डाल दिया या फिर थोड़ा बहुत भी उसमें काम अगर कर लिया तो उसको पूरा कंप्लीट करके ही बैठने वाले रहेंगे। इस प्रकार का एक नेचर होता है। और यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ भी लॉन्ग है, लेफ्ट पाम में भी सेम इंडिकेशंस हैं, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल कंपेरेटिवली अच्छा देखने को मिलता है। अपनी बात सीधे व स्पष्ट रूप से रखने वाले होते हैं, किसी प्रकार के हिचकिचाहट घबराहट नहीं रहती, और वहीं लाइफ में रूल्स रेगुलेशन व डिसिप्लिन या प्रेजेंटेशन अच्छा मेंटेन करते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है तो रिस्क टेकिंग नेचर आपका रहने वाला है। यही रीज़न है कि लाइफ में आप नई नई चीज़ें बहुत कुछ ट्राई करेंगे और हमेशा निरंतर ट्राई करते ही चले जाएंगे। लाइफ में आप नेम फेम पॉपुलैरिटी पाने के अलावा आपके संबंध कुछ उच्च अधिकारियों के साथ भी रहेंगे, जो आपको आगे चल करके हेल्प करने वाले रहेंगे। फिंगर के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखा एक प्रकार का मित्रता पूर्वक स्वभाव को ही बताता है कि आप जहाँ भी जाएंगे अपना अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लेने वाले रहेंगे। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, वहीं अब यहाँ पर अंगूठे के विषय में चर्चा करिए तो ये भी जो है सशक्त है, यानी मजबूत है। तो आपका व्यक्तित्व मजबूत रहेगा, डिसीजन पे आप अड़िग रहेंगे। और यहाँ पर भी यव का चिन्ह बनना शुभ होता है, क्योंकि ये एक प्रकार के ब्रिलियंट मेंटेलिटी या इंटेलिजेंसी को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ धार्मिकता भी आपके अंदर इसके साथ बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत आपके लिए ये जो है शुभ परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि इसके कारण आपका सिक्स्थ सेंस सबसे पहले और ज़्यादा यहाँ पर जागृत होगा और पॉजिटिव रिएक्शन आपको देगा। तो आपके दोनों पाम में ये देखने को मिला कि आपका शुक्र जो माउंट है बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, अच्छा स्पेस मेंटेन कर रहा है। तो शुक्र शासित हाथ है, जब शुक्र शासित हाथ देखने को मिले तो ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में लग्जरीज अच्छा मेंटेन करते हैं। लग्जरीज सुख सुविधा यानी खर्चों से कहीं गुना ज़्यादा महत्व भौतिकता वहीं सुख सुविधा के साधनों को देते हैं, और वही पारिवारिक जो बॉन्डिंग आपका रहेगा, कनेक्शन रहेगा, बहुत यहाँ पे तगड़ा रहने वाला है। यही रीज़न है कि फैमिली को लाइफ में आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस देंगे। तो मनी जो है कहीं ना कहीं कहीं नहीं लगेगा इन सुख सुविधा और फैमिली के सामने, इमोशंस के सामने। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु जो माउंट है कंपेरेटिवली नॉर्मल है यहाँ पर, और यहाँ पर आड़ी आड़ी रेखा होना शुभ होता है, क्योंकि ये व्यक्ति को समाज में सामान्य तौर पर बहुत अच्छा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलवाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का धार्मिक नेचर को इंडिकेट करता है। तो धर्म कर्म के कार्य आप जीवन में अच्छे करेंगे, ज्ञान जीवन में अच्छा अर्जित करेंगे, एक प्रकार का दयालुपन भी आपके अंदर यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर शनि के क्षेत्र के विषय में आए तो आपका सैटर्न जो माउंट है यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है। आपका मेनली जो लक लाइन है वो सैटर्न तक प्रॉपरली पहुँचा नहीं है, तो एक प्रकार का असंतुष्टि आपके जीवन में रह सकता है। यानी सब चीज़ होते हुए भी कुछ ना कुछ जो है कमी जीवन में हमेशा आपके लगी रहेगी। आपका जो फेट लाइन भी निकला है वो बिल्कुल लाइफ लाइन से निकला है और माइंड लाइन पर यहाँ पर आके रुक गया है, और वहीं एक अनदर लाइन आपके माइंड लाइन से स्टार्ट होते हुए गया हुआ है। तो ये जो है करियर में होने वाले चेंजेस को ही इंडिकेट कर रहा है कि 33-34 तक अच्छा लक था, आपका सेल्फ मेड लक था, और उसके बाद जो है मेंटेलिटी के अकॉर्डिंगली तकरीबन 40 के अप्रोक्स में एक और लक लाइन यहाँ पर बहुत शार्प तरीके से निकली हुई है। तो उस टाइम पे वापस से अर्निंग स्टार्ट होने के चांसेस, प्रोग्रेस मिलने के चांसेस, या जो भी आपके ड्रीम है उसको अचीव होने के चांसेस बहुत ब्राइट देखने को मिल रहा है। तब भी थोड़े शेटन के उपाय करने चाहिए ताकि लक आपका और इंक्रीज हो सके। सूर्य के क्षेत्र के विषय में चर्चा करें तो सैटर्न के बाद सूर्य जो है यहाँ पर डबल लाइन के साथ चल रहा है, और उसके बाद एक यहाँ पर सिंगल लाइन मेंटेन हुई, और उसमें से भी एक शाखा सूर्य और बुध के बीच में जा रही है, जिसके कारण पैतृक संपत्ति व संपत्ति जागृत होने के योग अच्छा है, और साथ ही साथ नेम फेम मिलने के चांसेस भी यहाँ पर ब्राइट देखने को मिल रहा है। तो सूर्य अच्छा है आपका, आत्मविश्वास आपके अंदर अच्छा रहेगा यहाँ पर। और मरकरी माउंट है यहाँ पर भी, एक से अत्यधिक रेखा आकर्षित व्यक्तित्व की निशानी होती है। तो कहीं ना कहीं व्यक्तियों की परख आपके अंदर बहुत अच्छी है, आपको पता है कि किस व्यक्ति से किस प्रकार से काम आप निकलवा सकते हैं। तो ये एक प्रकार का बिजनेस लक यहाँ पर
जागृत करता है, जिसके कारण व्यक्ति बिजनेस में बहुत अच्छा प्रोग्रेस पाता हुआ देखने को मिलता है। फिर हृदय रेखा के अंत में भी इस प्रकार की आकृति बनने के कारण एक प्रकार का गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, हसमुख, हास्य कवि, इस प्रकार का नेचर भी उभर के आता है। यानी माहौल बना करके रखना, लोगों को बांध करके रखना, इस प्रकार का नेचर। फिर यहाँ पर आपके हृदय रेखा के विषय में चर्चा करें तो बिल्कुल शनि और सूर्य के बीच से निकलता हुआ यहाँ पर आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल नेचर ये इंडिकेट करता है। और कहीं ना कहीं लोगों के बातों में भी आप जल्दी आ जाने वाले रहेंगे। आपको बाहरी तौर पर सब पता रहेगा कि ये व्यक्ति सही है या गलत है, लेकिन अगर वो आपके सामने किसी भी रूप से हेल्प मांगने आया तो आप उसको मना नहीं करेंगे। तो ये एक प्रकार का इमोशनल ही नेचर है, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सनैलिटीज़ के कारण आपके अंदर से निकलेगा दूसरों के प्रति। और एक्सपेक्टेशंस भी थोड़े से कहीं ना कहीं आप ज़्यादा लगा लेने वाले रहेंगे। थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा नियंत्रण पाते हुए अगर प्रैक्टिकलिटी प्रॉपरली लाइफ में ले आए तो ये इससे रिलेटेड जितनी भी दुख, तकलीफ, परेशानी है वो सब नहीं रहेगी आपको। फिर यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में जहाँ तक चर्चा करें तो माइंड लाइन आपका इस प्रकार से निकलते हुए स्ट्रेट गया है, उसी में से एक शाखा निकलते हुए नीचे भी जा रही है। नीचे जाने के कारण इसके कारण एक प्रकार का इमेजिनेशन स्किल में बढ़ोतरी होती है, काल्पनिकता बढ़ती है। हालांकि देखा जाए तो दो जो लाइन है ऊपर एकदम स्ट्रेट जा रही है, तो ये एक बहुत अच्छा लॉजिकल नेचर क्रिएट करता है। तो लॉजिकलिटी आपके अंदर अच्छी रहेगी, डीप से डीप स्टडी, वही हार्ड से हार्ड स्टडी भी आप अपने लाइफ में प्रेफर करें तो उसमें सक्सेस जो है आपको 100% मिलने वाला रहेगा। तो अपने मेंटेलिटी के कारण भी आप लाइफ में अच्छा प्रोग्रेस कर पाएंगे। और मेंटेलिटी जब बाहरी मंगल तक पहुंच जाए, ये बाहरी मंगल का क्षेत्र है, और यहाँ तक जब माइंड लाइन पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी देखने को मिलता है, धैर्यवान भी अच्छा होता है, और अपने जो इनका बुद्धि का बल है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी खराब से खराब सिचुएशन को भी इतनी पोलाइटली डील करते हैं कि ईजिली जो है उससे निकल जाने वाले रहते हैं। तो ये बहुत शार्प और गुड मेंटेलिटी को क्रिएट करता है। और यहाँ पर लाइफ लाइन का अगर फ्लो देखें तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर बाहर की ओर थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ है, जिसके कारण यात्राओं का सुख जीवन में अच्छा मिलेगा आपको। जीवन में अपने जन्म स्थान से दूर कई बार आपको रसने बसने का मौका, घूमने फिरने का मौका, विदेश यात्रा करने का मौका भी अच्छा मिलेगा। और फिर ये यहाँ पर आकर के अंत में शुक्र के नीचे चल गए, जिसके कारण फैमिली सपोर्ट व अटैचमेंट बहुत अच्छा रहेगा। उम्र भी आपकी अच्छी है, बेफिक्र रहिए। और केतु के क्षेत्र पर चर्चा करें तो केतु पर भी विभाजित हुई जीवन रेखा यहाँ पर यात्राओं का ही सुख और अचानक से धन लाभ का योग बनाते हुए देखने को मिलती है। तो अचानक से लाइफ में सडनली गेन वेल्थ आपको मिलना प्रारंभ भी हो जाएगा। और अंदरूनी मंगल की चर्चा करें तो यहाँ पर ये नॉर्मल देखने को मिल रहा है। लाइफ लाइन के पैरेलल कुछ इस प्रकार के चलने वाली लाइन सपोर्टिव व प्रोटेक्शन लाइन होती है, यानी दूसरों का सहयोग भी जीवन में आपके अच्छा रहेगा और उनके सहयोग के कारण भी आप प्रोग्रेस अच्छा लाइफ में कर पाएंगे। और प्रॉपर्टी के चांसेस भी अगेन बहुत ब्राइट देखने को मिल रहा है। शुक्र थोड़ा ओवर डेवलप है तो खर्चे आपके बेशक ज़्यादा यहाँ पर रहेंगे। वहीं शौकीन किस्म का नेचर, खान पान के शौकीन होना या कुछ दिखावटी चीज़ों का शौकीन होना, सुख सुविधाएं, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल होती है, लेकिन इसमें एक दिक्कत यही है कि किसी चीज़ का लत लगने का या फिर अधिक खर्च का थोड़ा दिक्कत आ जाता है, और उसी से रिलेटेड तकलीफ या टेंशन, अनावश्यक चिंताएं जो है बनती है। यही रीज़न है कि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जो आड़ी रेखाएं हैं ये अनावश्यक चिंताओं को ही व्यक्त करती है, जो मनी, हेल्थ या फैमिली लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर नॉर्मली रहेगा। चंद्र की चर्चा करें तो चंद्र माउंट आपका अच्छा है, जिसके कारण सकारात्मक मन व ऊर्जा आपका रहने वाला है यहाँ पे। और यहाँ से भी निकलने वाली इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन आपको जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस यहाँ पर दिलाते हुए, वहीं लाइफ में दूसरों का अच्छा सपोर्ट देते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं आपके पाम का जो है दूसरा पिक है यहाँ पे कुछ ट्रबल्स लाइन है, जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो यहाँ से इस प्रकार की लाइनें कट के जा रही हैं, यही थोड़ी ट्रबल, परेशानी वाली रेखाएं होती हैं। ये जब जब काटती हैं उस उम्र में व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड मेंटली टेंशन या किसी प्रकार का लॉस इंडिकेट होता है। तो अभी जैसे आपकी 38 की एज है, तो अभी फ़िलहाल में जो चल रहा है केस वो यहाँ पर है, और आने वाले लाइफ में तकरीबन 41 और 43 के एज में एक दो और जो है कष्ट आपको रहने वाला है। इसके रेमेडीज मैं व्हाट्सएप पर दूंगा, जिसके कारण बेनिफिट आपको मिल सके। और यहाँ पर इस प्रकार की निकलने वाली रेखा जो है आपको बिजनेस की ओर झुकाव को बता रही है, यानी व्यापार में भी योग आपके बहुत ब्राइट बनते हुए देखने को मिल रहा है।
और व्यापार आपके लिए बहुत यहाँ पर शुभ भी साबित होगा, क्योंकि व्यापारिक हाथ भी जो है आपका बन रहा है। वहीं शुक्र से निकलने वाली इस प्रकार की रेखा भी किसी प्रकार का फैमिली लक सपोर्ट इंडिकेट यहाँ पर करती है। परंतु कोई भी मनी ट्रायंगल इसके द्वारा नहीं बन रहा है, तो पैसा का लीकेज रहेगा, रुकेगा नहीं आपके पास। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत